हेलो दोस्तों, जेपी ऑफ लाइफ में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी लास्ट ट्रिप है मनाली की। अब बस हम यही माल रोड घूम के अब निकलने वाले हैं, तो हमने फिर से एक बार सॉफ्टी खाने की सोची। बिट्टू को सॉफ्टी बहुत पसंद है। ये सॉफ्टी यहाँ पे 50 रुपीज़ की है और यहाँ पे देख के फ्लेवर भी लिखे हैं, वनीला, पिस्ता, कीवी, बटर स्कॉच। और बिट्टू ने सबसे पहले अपनी मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दी, मैंने इसे टेस्ट किया, मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे वनीला फ्लेवर बहुत ही पसंद है, तो मैंने अपनी वनीला ही खाई। दोस्तों, हम तीनों ने अपनी आइसक्रीम का इंजॉयमेंट लिया है। मैं आइसक्रीम वैसे बहुत ही कम खाती हूँ दोस्तों, लेकिन बाहर निकले हैं तो ये थोड़ा सा इंजॉयमेंट हम कर ही लेते हैं और हम इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। देखिए इन्हें ये आइसक्रीम कितनी अच्छी लग रही है, साथ में हम लोग खाते हैं तो इसका इंजॉयमेंट भी दुगना हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, आप जब भी आप मनाली या कहीं पे भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए तो वो चीज़ दीजिए जो यूनिक हो। तो ये लकड़ी की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे ये तुरंत आपको ड्राइंग करके या तो कोटेशन लिख के देंगे, नेम प्लेट्स लिखवा लीजिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आप चाहते हैं इनसे ले लीजिए। यहाँ पे ब्रांडेड शॉप भी हैं, अच्छी हैं, जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैंने भी एक गिफ्ट लिया है लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, मैं आपको अगले वीडियो में आपको इसे ज़रूर बताऊँगी। तो अब हम काफ़ी थक गए थे, अब हमें आगे जाने का मूड नहीं था क्योंकि हम बहुत सारा प्लेस घूम चुके थे। तो हमने यहाँ पे जूस पीने की सोची। मैं आपको इस जूस वाले की एक बहुत ही सच्चाई कड़वी बताने जा रही हूँ दोस्तों। ये जूस में पानी मिलाता है, तो यहाँ पे हमने पिया तो बहुत ही पानी जैसा जूस लगा। तो आप यहाँ पे अगर चाहते हैं तो पीजिएगा, वरना मत पीजिएगा। बस उस दिन हमने रिलैक्स करके आराम किया। नेक्स्ट डे की सुबह हम उठ के जल्दी जल्दी तैयार हो गए हैं क्योंकि हमें यहाँ से चेकआउट करना है। मनाली की यादें हमें अपने साथ लेके जानी थी, तो बस हमने अपना नहा धो के हम सब तैयार हो गए हैं और आ गए हैं अपने डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये देखिए बिट्टू रानी का प्लेट है, यहाँ पे इसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका डाइनिंग एरिया। देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे इसे कवर करके रखा है और हर दिन इनकी नई नई वैरायटी होती है ब्रेकफास्ट में, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं जल्दी जल्दी में इसे आपको पूरा नहीं दिखा पाई, लेकिन बहुत ही अच्छा था इनका ब्रेकफास्ट और ये होटल भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो आप आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। तो मैं आपको इसके बालकनी एरिया में लेके आती हूँ, जहाँ पे ये आउटर एरिया दिखा रही हूँ। ये लवली व्यू देखिए, ये मनाली जैसे दिल में मेरे बस गया है। मन करता है मैं यहीं पर रुक जाऊँ और कहीं ना जाऊँ। तो देखिए ये यहाँ पे इन्होंने कितने अच्छे अच्छे पौधे भी लगाए हैं, प्लांट्स कितने सुंदर हैं। अंदर लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें निकलना तो है, लेकिन मन नहीं कर रहा था। मैं अपने कैमरे में इसे कैद कर रही थी सारी चीज़ों को। अब बस इस कमरे की हमें विदाई करनी थी, तो बस हम तैयारी कर लिए थे। तो लास्ट इस कमरे का व्यू मैं दिखा रही हूँ आपको और बस बाय बाय करके हम इस कमरे को बंद करके बाहर आ गए हैं। और लिफ्ट की तरफ अब सारा सामान हमारा नीचे चला गया है, हमने चेकआउट कर लिया है, हस्बैंड ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। तो मैं आपको ये लास्ट बार ये होटल का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ा आया दोस्तों मनाली में हमें। आज बारिश होगी, आज हम लोग रास्ते में रहेंगे, मज़ा आएगा। हाँ यही है, रास्ते में होगी, मज़ा आएगा। यहाँ होगी, वहाँ थोड़ी होगी। नहीं, रास्ते में इधर पड़ेगी ना। चलो बैठो।
तो मैंने तो पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि बारिश तो होगी ही, लेकिन मन में डर भी लग रहा था कि अगर हम रास्ते में कहीं फंस गए तो क्या होगा। तो फिर भी दोस्तों, इन सारी चीज़ों को लेते हुए हम इस प्यारी मनाली को गुड बाय कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, और हम तीनों में से किसी का भी मन यहाँ से जाने को नहीं कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहाँ से आपको लौटना होता है, क्योंकि हम सब एक मुसाफिर हैं और हम अपनी जर्नी पर निकले हुए हैं, तो जर्नी को कंप्लीट करने के बाद हमें आगे बढ़ना ही होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको इस मनाली में जहाँ जहाँ हमने घूमा है, मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो और आपको अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कि हर एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही समय लगता है और बहुत ही डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिए। तो देखिए, हम आगे बढ़ तो रहे थे पर लग भी रहा था कि अब जैसे शायद बारिश शुरू होगी, और इच्छा भी कर रही थी कि एक बार बारिश को अच्छे से देख ले यहाँ पे निकलते हुए। तो इच्छा तो जैसे ही हुई तो भगवान को तो उसे पूरा ही करना था। और यहाँ देखिए, हमने फ्रूट्स भी लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स के लिए बिना हम आगे नहीं जा सकते थे। एप्पल भी यहाँ मिल रहे थे, पियर लिया हमने, पीच लिया है, तो बहुत ही फ्रेश फ्रूट हमें मिल गया है। और देखिए, ये ब्यूटीफुल वादियाँ आप देखते ही रहेंगे, और सफ़र को एंजॉय करिए। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो एक दो बूंद मेरे हाथ पर गिरी, तो मुझे लग गया दोस्तों कि बस अब शायद ये मौसम हम पे खुशनुमा होने वाला है या हम पे कहर ढालने वाला है। ये तो आगे ही देखिए दोस्तों क्या होता है। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। तो अब जैसे ही हम देखिए कुल्लू की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, 12 घंटे की जर्नी है दोस्तों, क्योंकि अगर बीच में अगर हम कहीं गलती से भी फंस गए तो हमें बहुत ही लेट हो जाएगा डेस्टिनेशन तक पहुँचते। तो बस आगे गाड़ियाँ बढ़ती जा रही थी, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो थोड़ी हमें दिक्कत भी हो रही थी। तो हम ब्यूटीफुल व्यू का नज़ारा ले ही रहे थे, तो देखिए बादल एकदम काले हो गए और धीरे धीरे बारिश ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो जो जिस चीज़ का डर लग रहा था वही हुआ दोस्तों। लेकिन हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो हमें ये बारिश बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आगे क्या होने वाला है दोस्तों, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और जैसे ही आगे गाड़ी बढ़ी तो आप देखें क्या होगा, आप खुद ही देख लीजिए रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे लंबा तगड़ा जाम लगा हुआ था, लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे भयंकर हुई थी, सारी गाड़ियाँ यहाँ रुक गई थी। हमारे ड्राइवर को तो टेंशन हो जाती है, दो दो मिनट में बेचारा फूटने लगता है। तो दोस्तों देखिए, ये आगे हम थोड़ी सी गाड़ी बढ़ा के आपको दिखा रहे हैं, ये कितनी भयंकर लैंडस्लाइडिंग हुई है। अब तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कितनी देर हमें यहाँ खड़ा रहना होगा, और जब तक जेसीबी यहाँ नहीं आती है तब तक ये यहाँ पे कोई इसे आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो आगे जेसीबी आगे काम अपना कर रही थी, और हम करीबन यहाँ पे 2 से लेके 3 घंटे जाम में फंसे रहे। तो आपको प्रकृति जितनी प्यारी लगती है और जब ये गुस्सा हो जाती है तो देखिए ये अपना कहर भी उतने ही भयंकर रूप में देती है। तो किनारे पे ही गाड़ी हमारी खड़ी थी, तो सारे लोग जाम में फंसे थे, करीबन 3 घंटा लग गया दोस्तों हम इस जाम में फंसे रहे। अब तो निश्चित था कि अब हमको बहुत ही लेट होगा नोएडा पहुँचते हुए, लेकिन व्यू इतने प्यारे थे, किसी तरीके से हम जाम से निकले और देखिए आगे बढ़ते जा रहे थे, और डर भी लग रहा था कहीं आगे फिर से हम ना फंस जाए। तो आगे ऐसा तो हुआ नहीं दोस्तों, लेकिन आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आगे देखते जाइएगा कि क्या क्या हुआ। और इतने ब्यूटीफुल व्यू को देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मौसम एकदम ही बदल गया था और बहुत ही ठंडा हो गया था।
अब काफ़ी थक गई थी दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई। तो अब रात के करीबन बजने जा रहे हैं 9 और हम फ्लाईओवर पकड़ लिए थे और भूख हमें काफ़ी लग रही थी। कोई डेस्टिनेशन या होटल स्पॉट नहीं दिख रहा था और ट्रकों की यहाँ पे बहुत ही लाइन लगी थी और हम जाम में काफ़ी फंसे थे। लेकिन जैसे ही हम चंडीगढ़ मोहाली रोड पे पहुँचे हैं दोस्तों, वहाँ से जैसे ही हमारी कार आगे बढ़ी है तो हमें बहुत ही एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला है वहाँ खाने के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये टॉल क्रॉस करते हुए हमारी गाड़ी आगे निकल गई है। रात काफ़ी हो चुकी थी, बहुत ही नींद आ रही थी दोस्तों। ड्राइवर ने पास में ही चंडीगढ़ में मोहाली रोड पर जगत पंजाबी रसोई थी, जो बहुत ही यम्मी डिलीशियस खाना उन्होंने सर्व किया। ये वेजिटेरियन है, काफ़ी रिजनेबल है यहाँ पे आप ज़रूर खाना। और बस खाना खाने के बाद हम आगे बढ़ चुके थे। अब बस गाड़ी हमारी चलती जा रही थी, सबको भी नींद आ रही थी और सब थके हुए थे। इवन ड्राइवर भैया भी बहुत काफ़ी थक चुके थे। तो हमें भी अब जर्नी बहुत ही लॉन्ग लग रही थी। अभी भी हमें पहुंचने के लिए करीबन 4 से 5 घंटे लगने थे। तो ऐसा लग रहा था कि बस डेस्टिनेशन पर अपने पहुंच जाएं और आराम कर लें। और हमारे ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाई थी और हम आगे अपने डेस्टिनेशन के बढ़ते जा रहे थे। और बस यही लग रहा था कि हम अपने घर में जल्दी से पहुँच जाएँ और आराम कर लें। तो दोस्तों, मनाली का सफ़र बस यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मनाली में आपको कौन सी जगह अच्छी लगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।